तो गेम के दौरान ही मेरा सर फट गया था और तीन टांके लगे। पिछले साल से इसकी तैयारियां शुरू थी एशियन चैंपियनशिप की, फंड्स ना होने की वजह से हम लड़कियां नहीं जा पाई, लड़कों की टीम हमारी चली गई थी। अभी अल्लाह का शुक्र है जो हम जीत के आए, तो बड़ा जो है ना एक जश्न का समा था पूरे पाकिस्तान में। मेरा नाम डॉक्टर असबू सईद है और मेरा ताल्लुक केपीके के ज़िला करक से है। मैंने इब्तदाई तालीम अपनी करक से ही हासिल की और उसके बाद आगे पढ़ाई के लिए करक से कोहाट, कोहाट से पेशावर, पेशावर से इस्लामाबाद और अपनी मेडिकल की ग्रेजुएशन के लिए मैंने कराची की और वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। जहाँ तक गेम्स का ताल्लुक है तो मुझे गेम्स का बचपन से शौक है। जब मैं करक में थी वहाँ पे हमारी ज़ाहिर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वहाँ तो कोई पढ़ाई का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो गेम्स का तो ऑफकोर्स लड़कियों के लिए, लेकिन ये कि वहाँ की हमारी बॉयज़ की टीम थी, स्कूल की सीनियर बॉयज़ थे, मैं उनके साथ फुटबॉल खेलती थी प्रोफेशनली। सबसे पहला प्रोफेशनल गेम मेरा स्विमिंग था, मैंने 11 ईयर्स जो है स्विमिंग की एज अ प्लेयर। उसके बाद मैं कोचिंग में चली गई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, मैंने 5 ईयर्स एज अ नेशनल स्विमिंग कोच सर्व किया। उसके बाद मुझे मौका मिला 2016 में पाकिस्तान की पहली बार फुटबॉल की, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल की लड़कियों की नेशनल टीम की सिलेक्शन हुई। 2017 में पहली बार हमें मौका मिला एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने का, वर्ल्ड कप पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान की लड़कियों ने खेला जाके ऑस्ट्रेलियन मेलबर्न में। एशियन चैम्पियनशिप में मौका मिला, पहला ही मैच जो हमारा थाईलैंड के ख़िलाफ़ था और उनके ख़िलाफ़ हम जीत के आए हैं। बाकी बीइंग गर्ल्स ज़ाहिर प्रॉब्लम्स होती है, ये गेम थोड़ी सख्त भी है, इसमें इंजरीज़ वगैरह भी होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा मेरे माथे पे भी टांके परसों जाके मैंने खुलवाएं। तो ये कि थोड़ा आपको अपने आप को ना सख्त बनाना पड़ता है, और अगर आप इन छोटी चीज़ों से डर जाएंगे तो फिर ज़ाहिर मुश्किल हो जाएगी आपकी, ये तो थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। पढ़ाई एक बहुत बड़ी हार्डशिप है, पढ़ाई को भी लेके चलें, अब तो प्रोफेशनल लाइफ है, हॉस्पिटल को भी लेके चलें, सारी चीज़ें खुद मैनेज करें, किसी की कोई सपोर्ट नहीं होती, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। और उसके लेकिन एक बात होती है कि जब आप जीत के आ जाते हैं फिर जो है ना मामला बड़े चेंज हो जाते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है जो हम जीत के आए, तो बड़ा जो है ना एक जश्न का समा था पूरे पाकिस्तान में, और पेरेंट्स ऑफकोर्स सब प्लेयर्स के पेरेंट्स जो एयरपोर्ट पे आके, और ज़ाहिर फिर वो चीज़ें वैसे नहीं रहती, जब आप कामयाब हो जाते हैं फिर हर बंदा आपको बहुत अप्रिशिएट करता है। देखा जाए तो एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल हूँ मैं आपके सामने कि अपनी मेडिकल अपनी ये वाली स्टडीज़ भी मैंने कम्प्लीट की, अल्लाह का शुक्र है अभी मैं प्रोफेशनल हॉस्पिटल में जॉब भी कर रही हूँ, और साथ में मैं अपनी फ़ुटबॉल को भी मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। 2016 से खेल रही हूँ जब मेरे मेडिकल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, और साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की, ग्रेजुएशन भी की, और जो है ना अभी तक अल्लाह का शुक्र है अपनी गेम को भी कंटिन्यू किया हुआ है।